अद्धी रात वेले जदों मक्की ते मदनी कट्ठे बह गए, नबी करीम दे नाना जी ने अर्ज की, लजपाला किधर आए हो? आपने इशारा करके फरमाया, मेरा पुत्र अब्दुल्ला है। पूरे अरब दे अंदर एडा सोना नौजवान कोई नहीं। सुनिया तेरी बेटी आमिना जवान है, अपने पुत्र वास्ते तेरी बेटी दा रिश्ता लेने आया। नबी करीम दे नाना जी ने अर्ज की, लजपाला आमिना अज भी तुहाडी है, कल भी तुहाडी है। फरमाया, बेटियां दे रिश्ते इंज नहीं करी दे। लोग नौजवान दा किरदार पुछ देने, खानदान पुछ देने, कारोबार पुछ देने। पुछिया भी कुछ नहीं, रिश्ता भी पिया देना। नबी करीम दे नाना जी ने अर्ज की, लजपाला मैं क्यों ना रिश्ता देवा, जेड़ा बाबा ख्वाब च तुहानू मिलिया है। अठ दिहाड़े गुजरे ओ मैनू भी मिलिया। तेरा की जाना जरा इस तो उच्चा बोले मिलाद की महफल च मिलाद वाले रसूल की ज़ियारत अता फरमा। माशाल्लाह माशाल्लाह हुण कम इत्थे रखे। अल्लाह ने रिजा फरमाया, युहन नबी इन्ना रसलना का शाहिदों व मुबशिरों व नदीरों व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिरा कमली वाले तेन नबी भी बनाया, शाहिद भी बनाया, मुबशिर भी बनाया, असा तेन नदीर भी बनाया, दाई लल्ला भी बनाया, सिराज मुनीरा भी बनाया। फरमाया, बाबा सिरिल मुमिनी मुबारक होवे, तुहाडे कोल मेरा यार मेरा बड़ा फजल बन के आ गया। फरमाया, फजलन कबीरा, फरमाया मेरा बड़ा फजल कमली वाला, अपने यार वाल अपनी रहमत का इशारा फरमाया। फरमाया, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। अल्लाह ने फरमाया, आ कमली वाला मेरा फजल है। अर्ज की दिया, अल्लाह सी तेनू फजल समझ दे रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं ते फजलां वाला हां, फजल ते मुहम्मद दी ज़ात है। अपने यार दे फजल दा जिक्र फरमाया। फरमाया, फलौला फ़ज़लुल्लाह अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल खासिरीन। अल्लाह ने फरमाया, जे मेरा यार मेरा फजल बन के ना आउंदा, फिर मैं तुसा घाटे च रह जाना सी। अर्ज की दिया, अल्लाह पता चल गया तेरा फजल कमली वाला है। अर्ज की दिया, अल्लाह तेरी रहमत कौन है? फरमाया, वा मैं अरसलना का इल्ला रहमतन लिलआलमीन। अल्लाह ने फरमाया, मेरा फजल भी कमली वाला, मेरी रहमत भी कमली वाला। फरमाया, वज़कुरु नेमत अल्लाह अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फअल्लफ बैन कुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिमतिही इख्वाना। फरमाया, मेरा फजल भी कमली वाला, फरमाया मेरी रहमत भी कमली वाला, फरमाया मेरी नेमत भी कमली वाला। अर्ज की दिया, ना कोई औलाद नो फजल समझदा, कोई माल नो फजल समझदा, कोई शोहरत नो फजल समझदा। अर्ज की दी, कोई इज्जत नो फजल समझदा, कोई कोठी ते कार नो फजल समझदा। अर्ज की दिया, ना अपने यार नो केड़ा फजल दे के भेजे आई। अल्लाह फरमा, माता दे नैना वाले आ, किसे नो मैं एक फजल अता कीता, किसे नो मैं दो फजल अता कीते, किसे नो मैं तीन फजल अता कीते। फरमाया, कमली वालिया तेनू मैं दे के फजल नहीं भेजिया, तेनू बना के इंज दा फजल भेजिया है। जिधरों जिधरों लगदा जावेगा फजल करदा ही जावे। तेनू दे के फजल जिंदाबाद।
आमीन 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 आमीन। हुण बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया फजल ते रहमत करा ते जश्न मनाओ। आप ही फरमाया फजलन कबीरा, फरमाया मेरा वड्डा फजल भी कमली वाला ते रहमत भी कमली वाला। पता चलिया आ जरा चौक मिलाद मना रहे ना उनताली चक गावे दे अंदर, ये सानू शहाब साहब ते इन्हां दी टीम ने नहीं बिठाया, सानू रब दे कुरान ने बिठाया है। असी ओ ही जश्न मनाना है जरा अल्लाह ने कुरान च हुक्म फरमाया है, फरमाया मैं फजल करा ते रहमत करा ते जश्न मनाया जे। असी उस फजल का शुक्रिया अदा करना है, असी उस रहमत का शुक्रिया अदा करना है। पढ़ा भाई तर्जमा करा इहदा आसान लफाज, थोड़ा जा हौला बोलो, बार आवाज नहीं जानी चाहिए, ते हाथ ते चुकना ही नहीं, मत किधरे को शहीद ना हो जाए। इन्नी सुभान अल्लाह बोल जाओ कि फरिश्ते झुक झुक पूरा साल एक दूसरे नु कहन आओ नगरीए जिथे नबी कदम करीम दा मिलाद होंदा, सुन्नी सुभान अल्लाह कह के जाते ने। मैं इहदा तर्जमा जे करिया करना, फजल रे बोलो ला और क्या चाहिए, फजले रे बुलोला और क्या चाहिए, और मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। हुन जिन्हों जिन्हों मिले ने हाथ खड़ा करके मेरे नाल पड़े के मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। अल्लाह ने फरमाया मैं फजल ते रहमत करा ते जश्न मनाओ, मनाओ जश्न। अब फजल ही नहीं कमली वाले दा बोले नहीं सुभान अल्लाह। सिद्दीक साहब तोड़ी मेहनत अल्लाह कबूल फरमाए, तोड़ी टीम ने माशाल्लाह बड़ा साथ देता है, अल्लाह करीम सारे नौजवानों दी पकीदा जवानियां नु सलामत रखे हमेशा भाई। आज मैं तुहानू सुनाना फजल किनु कहंदे ने। अल्लाह फरमा फजलन कबीरा, अल्लाह फरमांदा मेरा वड्डा फजल कबली वाला। अल्लाह किसी पुत्र देवे ना तो कोई मुबारक देवे, मुबारक हो अल्लाह तुहानू बेटा देता, कहंदा जी अल्लाह का बड़ा ही फजल हो गया। किसी नु कार दे देवे ना रब तो कहंदा अल्लाह का बड़ा ही फजल है। किसी नु कोठी मिल जाए तो कहंदा अल्लाह का बड़ा ही फजल है। ये भी सारे फजल ने, पर जेड़ा कमली वाला है ना, अल्लाह ने फरमाया फजलन कबीरा, अल्लाह फरमांदा मेरा सब तो वड्डा फजल कमली वाला है। ते जे छोटे फजल दी खुशी होंदी है ते जे वड्डा ही फजल मिल जाए ओदी खुशी। बाद बेली कहंदे ने किथे लिखया है आ जड़ियां तुसी लाइटिंग लगांदे हो इन्नी, आ मिलाद मनांदे हो इन्ना, लंगर पका छड़दे हो इन्ने, खतीबा नूं बुला लैंदे हो, स्टेज सजा लैंदे हो, किथे लिखया है? क्यों मनांदे हो ए रात क्यों मनांदे हो? ते मैं पढ़ा कुरान क्यों मनाने आ? आ तुसी बोले नहीं नहीं ते मैं पढ़ देना सी तकरीर, तुहानूं मैं अगले साल आके सुणावांगा, अज मैं तुहानूं सुभान अल्लाह सिखा जावांगा इंशाअल्लाह। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। क्यों जी हज़रत जी? अल्लाह ने रिजा फरमाया बनो नसीलो मिनल कुरान, मैं हूं शिफा व रहमतुल लिल मुमिनी। अल्लाह ने रिजा फरमा कुरान मोमिन वास्ते रहमत भी है, कुरान ईमान वास्ते वालदियां वास्ते शिफा भी है। पता लगे कुरान शिफा भी है, रहमतुल लिल मोमिनीन भी है। जेड़ी रात कुरान आया हर रात ओ रात सारे लोग सारे मुसलमान हर साल उस रात नु जश्न नजूले कुरान मनांदे ने। ओ रमजान दी एक ताक रात कुछ 27वीं नु जश्न नजूले कुरान इस वास्ते मनांदे ने। इस रात कुरान आया अल्लाह फरमाया रहमतुल लिल मुमिनीन, कुरान दी वारी आई फरमाया रहमतुल लिल मोमिनीन,
जदू कमली वाले दीवारी आई फरमाया वो मैर सलना गैला रहमत लिल आलमीन नौजवानों पता लगे कुरान रहमत लिल मोमिनीन है सिरा मोमिना वास्ते कुरान रहमत है पर जदू मदनी दीवारी आई अल्लाह ने फरमाया तू रहमत लिल आलमीन है तेजे रहमत लिल मोमिनीन दा जशन मनाया जा सकदा है फिर रहमत लिल आलमीन दा भी जशन मनाया जा قرآن رحمت للعالمین ہے تے کملی والا رحمت للعالمین ہے قرآن رحمت للمؤمنین ہے کملی والا رحمت للعالمین تے جے رحمت للمؤمنین دا جشن منایا جا سکدا ہے پھر رحمت للعالمین دا وی جشن منایا جا سکدا ہے اوتھے جشن نزول قرآن ہو سکدا ہے تے ایتھے جشن میلاد نہیں ہو سکدا अगली दलील सुनो अल्लाह ने फरमाया जड़ी रात आवे ना कुरान आज जड़ी नुकरे जरा इन संभालियो सदीक साहब आज जड़ी बचे शोर नहीं करना बस बेटे खामोशी ना खामोशी खंबे दे नाल टेक लगा के ना बैठो अल्लाह ताला अपने ज़मान च रखे भाई इधर है एहतियात ना बेटा अदरा सुभान अल्लाह बोलो जो मैं तुहानू मदीने छड़ आवां भाई अल्लाह ने फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र फरमाया सा इसे कुरान नु क़द्र वाली रात नाज़िल फरमाया या अल्लाह केड़ी क़द्र वाली रात ओदी शान की है अल्लाह फरमांदा तनज़्ज़लुल मलाइकातु वर्रूह ई ओ रात जिस रात फरिश्ते भी नाज़िल होंदे ने ते रूह यानी रूहुल अमीन जिब्रील नाज़िल होंदे ने अच्छा जेड़ी रात जिब्रील आवे ते जिब्रील दी किशान मौलाना इमाम यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि नमा खुलिकल खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने अल्लाह ने जिब्रील नु पैदा ही मुहम्मद दी खिदमत लई कीता है ते जेड़ी रात ओ आवे जेड़ा मुहम्मद दी खिदमत लई पैदा होया है ते ओ रात हर साल मनांदे ने सारे अपने वी ते बेगाने वी ते ओ रात मनाई जा सकदी है जेड़ी रात जिब्रील आवे ते जेड़ी रात मखदूमे कायनात आवे और रात नहीं मनाई जा सकती भाई कुरान भी तो एक बारी आया ना ते रात हर साल मनाई जाती है ते कमली वाला भी एक रात आया ते रात हर साल मनाई जाती है रात हर साल मनाई जाती है अब देखो जो आना ना बारह रबीउल अव्वल दी रात शबे बरात आउंदी है ना ते नेक जागदे ने वली जागदे ने मुसल्ले बिछा के सारे जदों आउंदी ने शबे मेराज उदों भी बड़े बड़े नेक ते परहेजगार सारी रात इबादत करदे तस्बीहां पढ़दे जदों आउंदी ना 27वीं रात उदों भी नेक जागदे उदों भी बड़ी तस्बीहां पढ़ियां जांदियां ते कुरान दी तिलावत ते नवाफिल पढ़े जांदे पर जदों आउंदी है ना 12 रबीउल अव्वल दी रात ते नेक सारे सुते होंदे ने ते नौजवान ते गुनाहगार सारी रात छड़ियां ते लाइटां लांदे रहंदे ने उन्होंने खुशी एडी होंगी आमना दे लाल दी उन्होंने रात नींद नहीं आती मेरे माही का मिलाद है सुबह है और नेक दे रात जागते रहते पर जब आती ना मिलाद की रात उदू सारे गुनाहगार भी जागते कहते कमली वाला आया ना रहमत लिल आलमीन आया कमली वाला आया ओ जिन्हें साड़ी बख्शिश करवानी है आओ मैं दसा फजल की है बनी सराइल मछलियां पकड़ते सन मछेरे अल्लाह ने फरमा के हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नियां छुट्टी करनी क्योंकि अल्लाह ने जुमा मुसलमानों नु अता कीता मेरे नबी ने फरमा जुमा मुसलमानों दी ईद दा दिन ये भी सवाल लोग कर दे ना कि आ ईद कित्थों आई है जी जश्न ईद मिलादुन नबी ईदां ते दो ही ने इस्लाम दे अंदर एक वड्डी ते इक छोटी तो दो दी गल करना इत्थे मेरे नबी ने फरमा हर हफ्ते मुसलमान दी ईद आउंदी है मेरे नबी ने फरमा हर जुमा मुसलमान दी ईद दा दिहाड़ा ईसा अलैहि सलाम ने की अर्ज की रब्बाना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकुनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना
अर्ज की थी ईसा अलैहि सलाम ने या अल्लाह साडे वास्ते आसमान तो खाना उतार ईद अल अव्वलना व आखिरना ओ साडे अगलियां पिछलियां लई ईद दा दिन बन जाए ते जेड़े दिन आसमान तो खाना उतरे ओ दिन ईद दा हो सकदा ते जेड़े दिन कमली वाला आवे ओ दिन ईद दा नहीं हो सकदा ये तो मैं कुरान चो ईद दा सुना रहा अच्छा जी अच्छा मुसलमानों नु अल्लाह ने जुमे दा दिन दित्ता हफ्ता यहूदियां नु ते इतवार ईसाईयां नु अल्लाह ने फरमा के यहूदियों हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नियां छुट्टी करनी ते उधर मछलियां नु हुक्म देता कि तुसा दरिया च जाना भी हफ्ते वाले दिन यहूदी मछेरे जब हफ्ते वाले दिन दरिया के किनारे ते जाके खड़े हुए ते देखा इतनियां मछलियां ते मछलियां जब मुंह कट के दिखांदियां पानी विचों ते मछेरे ते दिल डोल दें कि इनियां मछलियां ते पकड़नियां भी नहीं शहाब साहब इतने मुफ्ती अहमद यार खानी में गुजराती रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मोहब्बत की बात लिखी आ फरमाते ने वो जड़ी मछली दे पेट च अल्लाह दे नबी हजरत यूनुस अलैह सलाम 40 दिन रहे ना हफ्ते वाले दिन मछलियां उस मछली दी ज़ियारत ले आउंदियां सन वो जड़ी मछली दे पेट च 40 दिन तबदा नबी रवे मछलियां उदी ज़ियारत ले आउंदियां ने जड़ी मां दे शिक में अतहरे च 9 महीने कमली वाला वस के आया होवे फरिश्ते उस मां दीयां ज़ियारतां लई नहीं आउंदे होणगे अल्लाह फरमाया इन्हां मछलियां नूं नहीं पकड़ना क्योंकि इह ज़ियारत लई आउंदियां ने पाबंदी लग यहूदियां दे सियाने बैठ के ते उन्हां आख्या को मशवरा दिओ ते सियानिआं मशवरा दित्ता कि इस तरह करो कि दरिया च छोटियां छोटियां नालियां बना के अपने घरां तक ले आओ हफ्ते वाले दिन जो मछलियां ज्यादा दरिया च आवणगियां नालियां दे जरिए साडे घरां तक आ जावणगियां ते घरां दे सहन वेड़े दे अंदर हाउस बना लो टैंकियां बना लो हफ्ते नु मछलियां नालियां दे जरिए टैंकियां चा के भर जावणगियां ते इतवार नु पकड़ लवांगे बे ऐन ही इस तरह होया कि हफ्ते वाले दिन मछलियां उन्हां नालियां दे जरिए यहूदियां दे वेड़ियां तक आ गईयां वेड़ियां दे टैंकियां हाउस भर गए यहूदी बड़े राजी कि असा हफ्ते दा अदब भी कर लिया है मछलियां कठियां भी कर लिया ने ते इतवार नु पकड़ भी लवांगे मगर जो ही इतवार दा दिन तलू होया ना ओ जिहड़े रब दे हुक्म नाल मछलियां इधर आईयां सन ना उसे रब दे हुक्म नाल वापस जा रहीयां टैंकियां खाली हो गईयां अल्लाह नो अल्लाह जलाल आ गया कि ना मेरी हुक्म अदूली की थी मेरे गल नहीं मनी अल्लाह ने रिजा फरमा खूनों की रादा तना खासी परवरदिगार ने फरमा बंदर बन जाओ यहूदियां दी शक्लां बिगड़ गईयां कुछ बंदर बन गए कुछ खिनजीर बन गए कमली वाले दे गुलामा जदू शाम नो कब तू घर आ जांदे हो अपने कमरे दिया इने दे सामने अखियां बंद करके खलो जाया करो नाले सोचिया करो ना बचपन च केड़े गुनाह करदा रहा हो ना जवानी च केड़े गुनाह पिया करना ना बड़े पे च केड़े गुनाह पिया करना सारी जिंदगी दे गुनाह याद करके अख खोल के आईना वेख जे तेरी शक्ल नहीं बदली फिर मुहम्मद मिलाद मनाया कर क्योंकि रब तेरे वल नहीं पिया वेखदा इते यार नु यार दा मुंह पिया मारदा यार नु यार दा मुंह पिया मारदा ओना मछलियां पकड़ियां रब ने बंदर बना देते ओना एक गुनाह कीता रब ने खिनजीर ते बंदर बना के शक्लां बदल दितियां आ इन्ने गुनाह करी जा रहे हां दुध च पानी पाई जा रहे रिश्वत खाई जा रहे जिना हो रहा शराबा पीतियां जा रही सूद खाते जा रहे पर शकलां नहीं बिगड़दियां अजे भी पूछना नबी दा मिलाद बनाउना किथे लिखिया मिलाद मनाओ उस रसूल दा जड़ा तेरी मेरी शक्ल नहीं बिगड़न दे रहा उस नबी दा मिलाद मना अपने गुनाह ते करतूत वेख ते अपनी शक्ल वेख ते जे नहीं बिगड़ी फिर मिलाद मना मुहम्मद दा जड़े शक्ल ही नहीं बिगड़न दे रहा इनू कहंदे ने नबी दा फजल ओ बोले जिदे ते फजल दुनियादार कमीने जिंदाबाद
तवज्जो जी एक बार उच्चा बोलो आमीन 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 बिस्मिल्लाह। मेरा दिल करदा जड़ी मैं बहस की ना लफ्ज़े फजल उते शहाब साहब मेरा दिल करदा तो मैं तर्जमा हजरत पीरे बाहू को करवा के दे उच्चा बोलो तो चली हजरत सखी सुल्तान बाहू के दरबार उते भाई बे मुर्शद नाल मैं कदे बोलिया नहीं मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह मिलाद किन्नू मनाना चाहिए इंज करियो इस वेले ना किसी फ्रूट वाली दुकान ते खलो जायो ते वेखियो भला कोई गाहक आउंदा है जिहड़ा आके कहे कि ए दुकानदार नूं कहे ए पैसे पूरे ले लो ते जिहड़ा तुहाडी दुकान ते गलिया गलिया ते सड़िया सड़िया फ्रूट है ना वह मैनू दे दिओ कोई आवेगा नहीं ना असी ते 10 दर्जन केले लै लईए ते दुकानदार विच इक गलिया केला पा देवे ना ते ओ केला भी असी दुकानदार नूं वापस करके कहने आ पैसे पूरे दित्ते ने सौदा खरा लैणा है तू ते 10 दर्जन केलियां च इक गलिया केला कबूल ना करे ते तेरा उस नबी दा मिलाद मनावण नूं जी नहीं करदा जिने तेरे मेरे जे सारे गले सड़े झोली पा ले ने ते आख्या गंदे मंदे मैनूं दे दे करम दी निगाह करके इन्हां नूं इंज दा बना देवांगा कि नबी भी इन्हां च शामिल होंदियां दुआवां ही करिया करनगे असीं सारे इकट्ठे हो के ते इलाके दे थानेदार कोल तुर जाइए ना ए तुहाडे इलाके दे दो एस एच ओ बैठे सन हुण माशाअल्लाह मेरे कोल अंदर कमरे असीं आखिए कि ए सारा पिंड वाले आए आ ते राती तुसां इक कातिल पकड़िया ते साडे अख छड्ड दिओ छोड़ेगा असि इन्ने बंद साढ़े आखे एक डाकू ही छड़ दियो छड़ेगा नहीं ना असि ते थानेदार तो एक बंदा नहीं छुड़ा सकते फिर ओदा मिलाद ना मनाइए जिन्हें रब तू सारे छुड़ा लेने नाल शफात सरवर आलम छोट सी आलम सारा जिन्हें सारे रब तू छुड़ा लेने ओदा मिलाद भी ना मनाइए इन्ने फजल मुस्तफा दे इन्ने फजल मुस्तफा दे अल्लाह फरमादा फजल ते रहमत होवे ते जश्न मनाया जे जश्न मनाओ मेरे माही दा मेरी मिल्लत दे नौजवानों ओ मैं तुहानू पहले फजल सुना लवां फिर मैं तुहानू आमिना दे वेड़े लैके जाणा है अज मामा हलीमा दे वेड़े लैके जाणा है क्योंकि ये दो हस्तियां दा जिक्र ना करिए ते मिलाद दी महफिल मुकम्मल नहीं होंदी आ जड़ियां पाक हस्तियां दा मैं जिक्र करन लगे सारा सवाब असा इरफान शहाब साहब दे वालिद गिरामी नूं पेश करके जाना बहुत मैनूं अफसोस होया अल्लाह ताला उन्हां दे कबर दर्जात दी बुलंदी फरमाए उंज नेक पुत्र छड़ के गए ने मैनूं यकीन है अल्लाह तबारक व ताला उन्हां दी रूह नूं ठंडियां रखे हमेशा ते इन्हां वल ठंडियां हवावां हमेशा उन्हां नाल जी 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 तुहाडे कब्रिस्तान दे अंदर और पूरे इलाके दे अंदर जितने मरहूम हैं अल्लाह करीम इस माफ़ दा सबब उन्हां नूं पहुंचा के उन्हां दे दरजात दी बुलंदी दा बाइस बनाए मेरी
ملت نوجوانوں ازل دے دن اللہ نے قلم نو فرمایا تقدیران لکھ نون والقلم وما یسطرون علم بالقلم او قلم نو اللہ نے فرمایا تقدیران لکھ قلم نے اپنی جیب جدو لوہے محفوظ تے رکھی نا تے قلم نے مڑ کے رب دی قدرت ول ویکھ کے عرض کیتی یا اللہ اے کی لکھنا ہے اللہ فرما تقدیرہ لکھ یا اللہ کی لکھا اللہ فرما لکھ حضرت آدم علیہ السلام دی امت دا قانون یا اللہ قانون کی ہے فرما قانون ہے بے کہ جڑا آدم دا امتی نیکیاں کرے گا وہ جنت چ جاوے گا تے جڑا گناہ کرے گا دوزخ چ جاوے گا قلم نے لکھ کے عرض کیتی جی اگے کی لکھا فرما حضرت نوح علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ عرض کیتی یا اللہ قانون کی ہے فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گنہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کیتی جی اگے کی لکھا فرما ابراہیم خلیل اللہ دی امت دا قانون لکھ یا اللہ اس امت دا قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گنہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کیتی جی اگے فرمایا داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون یا اللہ اس امت دا قانون کی فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گنہگار دوزخ چ جان گے لکھ کے عرض کیتی اگے کی لکھا فرمایا موسی دی امت دا قانون لکھ یا اللہ اس امت دا قانون کی ہے اللہ نے رضا فرمایا قانون پرانا ہی ہے اللہ نے فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گنہگار دوزخ چ جان گے ایک لکھ چبی ہزار نبی دی امت دا قانون پرانا ہی لکھیا گیا قلم نے عرض کی اللہ کی لکھا اللہ نے فرمایا آخری امت دا قانون لکھ محمد غلامہ دا قانون لکھ عرض کر دی یا اللہ انہاں دا قانون کی ہے عرض کی دی یا اللہ میں آپ لکھن لگی ہاں اللہ نے فرمایا نکل میں ٹھہر جا میں کی لکھن لگی ہے کہن لگی یا اللہ قانون بدل دا ہی نہیں میں پرانے قانون لکھن لگی ہاں اللہ نے فرمایا کل میں ٹھہر جا ایتھے قانون بدل عرض کیتی یا اللہ کی لکھا فرمایا لکھ امت گنہگار رب بخشن کیڑا فضل ہے جڑا میرے نبی نے تیری ذات تے نہیں کیتا اجے بھی پوچھے نبی دا میلاد مناونا کتھے لکھیا ہے تو چل قبر چ تینوں لگ جائے گا پتہ میلاد مناونا کتھے لکھیا ہے جدوں سانوں نبی پاک نے نہیں سمجھے آسان کر دیواں گھر جا کے سبحان اللہ بولیا جائے مولوی کھنگورا مارے نا تے شاہ صاحب پتہ کی کہندے نے اسی آ کے نا سبحان اللہ بولو تو پھر دل چی پڑھ لے اچھا بولو کرو سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں چکتا نال دا بیلی جگاؤ نا تو اچھا بولو کو میرے نبی دا میلاد ہو رہا اچھا بولو سبحان اللہ جڑی پہ بکریاں چارے آجڑی تے اثر دی نماز دا ویلا ہو گیا تے ایک بکری نا اجڑ وچوں وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جو گی بکری اجڑ چو وچھڑ گئی تو دے پیچھے ایک بگیاڑ لگ گیا بھیڑیا لگ گیا بکری ڈر دی دور دور چلی گئی بگیاڑ بھی پیچھے بکری نے ڈر کے نہ تے اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تھی انہوں نے سی پتہ کہ نیچے دل دلے بکری دل دلے چھ پھنس گئی پیچھے بگیاڑ نے چھلانگ ماری تو وہ بھی دل دلے چھ پھنس گیا تے بکری ہسے تے بگیاڑ روے بگیاڑ بکری ول ویکھ کے کہن لگا ڈب کے میں بھی مر چلیا تے ڈب کے تو بھی مر چلی دل دلے چھ دوویں پھنس گیا مر دوواں جانا تے میں رونا تو کیوں ہسنی تے بکری بگیاڑ نو کہن لگی او سورج ول ویکھ بھگیار سورج وال ویکھ کے کہن لگا ڈیگر دا ویلا ہو گیا شام ہون والی ڈیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا ہو سبحان اللہ
कह लगा बस दिन डुबन वाले ते शाम होने वाली अंधेरा छाण वाला है ते डुब के मर चलिया ते हसन वाली गल केड़ी है। बकरी कह लगी वे शाम हो चली मेरे मालक ने आ जाना है, मेरे मालक ने बकरियां चार के कर जाना है, जाके बकरियां गिननियां बेच मैं नहीं होना, उन्हें मैनू ढूंढने आ जाना, उन्हें मैनू कड के ले जाना है, वे तेरा की बनेगा, तेरा ते मालक ही कोई नहीं, उंताली वाले पता लगिया सही जूंदे होन बचान आई जांदे। मैं इस तो मोहम्मद इमरान आसी साहेब उलमाए अहले सुन्नत आमीन आमीन जिंदाबाद। इस तुम आख्या चल कबर च तेन लग पता जाना मिलाद मना कि सानू तो साइया कट के लै लो जाना सानू तो कई करीमा लै जाना यह मिलाद मना रहा है। तू फिक्र कर अपनी तेरा तो मालिक ही कोई नहीं, तू तो बनाई नहीं मुस्तफा नाल पता लग्या कि यह फजल नहीं कमली वाले का फिर आ जरा महफल च आ गए ना यकीन करो आ भी फजल ही जो कमली वाले का। आओ नौजवान हूँ मैं तुम्हें उस दिन वल लै चला उस रात वल लै चला जिस रात रब ने फजल बना के मुस्तफा तोरिया। नबी करीम अलैहि सलातो सलाम की अम्मी जान मदीने पैदा हुई ते हजूर दी अबू जान मक्के च पैदा हुए। मदीना मेरे नबी का खानदानी नानका घर है, हजूर दे नानके भी मदीने, हजूर दे अबू जी दे नानके भी मदीने, हजूर दे दादा जी दे नानके भी मदीने। हिजरत तो बाद नबी करीम जेड़े बनू नजार मोहल्ले च तशरीफ लिया ना हजरत अबू अयूब अंसारी दे मोहल्ले, ए नबी पाक दे दादा जी दा नानका मोहल्ला सी। आप बचपन च यतीम हो गए ते आप दी अम्मी हजरत सलमा नबी पाक दी पड़दादी अपने पुत्र नूं लिया ते नानके लै आई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी पाक दे दादा जी बचपन अपने नानके गुजारिया, बचपन च मदीने पले, जवान होके मक्के आए सन। नबी करीम अलैहि सलातो सलाम की अम्मी जान के मुतलक किताबों वाक्य लिखा, सीरत हलबिया च लिखा कि आप दे बचपन च मदीने एक औरत आती है जिसका नाम है सौदा बिंत ज़हरा। उसका रंग काला, अखियां नीलियां, बहुत बड़ी आलिमा, फाजिला, काहिना, बहुत बड़ी नजूमी औरत, हाथ दी लकीरां वेख के तकदीरां दा सदी। इस औरत के मुतलक किताबों च लिखा जब पैदा हुई तो बाप ने वेखिया, अपने गुलाम नूं कहन लगा बेटी होइए नूं दफन करके आ, जिंदा ही दफन कर दे, मैं वेखनी नहीं। गुलाम कबर बना के जदों बच्ची नूं कबर च रखन लगा ते कहन लगा मैनूं हाथ फेर गया भी तू आवाज आई ना मारी। उस गुलाम ने दाएं बाएं देखा कोई इंसान नजर ना आया, अपना वहम समझ के दोबारा दफन कर लगा, फिर आवाज आई ना मारी। गुलाम ने फिर इर्द गिर्द देखा कोई इंसान नजर ही ना आया ते अपना वहम समझ के तीसरी मरतबा दफन करन लगा ते आवाज आई ना मारी, नहीं पाली जांदी ते रख जा असी पाल लवांगे। उस गुलाम नु ख्याल आया बच्ची को नसीबां वाली, गुलाम इस बच्ची को घर लै गया, नु पाल के जवान किया। ये बच्ची जवान होके अरब की बहुत बड़ी आलिमा, फाजिला, काहिना, नजूमी औरत बनी, नतीता ते रूहानी कुव्वतां दी बड़ी लाडली सी, हाथ दी लकीरां वेख के तकदीर दा सदी। कदे कदे मदीना तैयबा आंदी है तो शोर मच जांदा, सौदा बिंत ज़हरा आई, लोग अपने बच्चे लैके कितारां च खड़े हो जांदे, हाथियां लकीर वेख के तकदीर दसदी। सैयद आमीना का बचपन है, आप अपन सहेलियां नाल मदीने के गली च चौके च खेल रही। अचानक शोर मच गया, सौदा बिंत ज़हरा आ गई, लोग अपने बच्चे लैके कितारा च खलो गए तो लोगों के हाथ दिन लकीर देख के तकदीर दसदी। नौजवान जड़े वे सैयद आया आमीना की बारी आई, लकीर वे कह लगी बच्ची कौन,
आख्या वहा बिन अब्दे मुनाफ दी बेटी आमेन आए कह लगी आदि हिन्नदीरा औ तुलिद नजीरा कह लगी मेरा इलम कहंदा है ए बच्चिया आप नबी बनेगी या किसे नबी दी मां बने या आप नबी बनेगी या किसे नबी दी मां बनेगी। सैयद आमिना ने बचपन च वेख के लोग कहंदे सन आमिना किसे नबी दी मां बनेगी। इधर सैयद आमिना जवान हो गई उधर हजूर दे अबू जी जवान हो गए। नबी पाक दे दादा जी फरमाते ने एक रात में हतीमे काबा च लेट गया तवाफे काबा करके अख लग गई एक सोना जा बाबा खाबे चाया ते कहन लगा अब्दुल मुत्तलिब जो दो सुबह जाग जावे ना अपने पुत्र अब्दुल्ला नु लेके मदीने आ जा उथे एक बेटी है वहा बिन अब्दे मुनाफ दी बेटी आमिना ते ओदे नाल अपने पुत्र दा रिश्ता करके आ। आप फरमाते ने मैं पूछा बाबा जी तुसी कौन हो फरमाया मैं अल्लाह दा नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम। हजूर दे दादा जी सुबह उठे अपने पुत्र नु नाल लिया मक्के दे उमरा रुअसा कुरैश दे सरदार नाल ले ते आप मदीने आ गए। बचपन मदीने गुजरिया सी सारे मदीने वाले वाकिफ सन पुछया कि वहा बिन अब्दे मुनाफ कौन है लोग आख्या हजूर तुहाडे बचपन दे यार वहीब दा छोटा भाई है वहाब। हजूर दे नाना जी दो भाई सन वहाब और वहीब। आपने जाके नबी पाक दे नाना जी दा दरवाजा खटकाया आप बाहर आए ना ते वेख्या अरब दे सरदार आए ने सारे अरब दे सरदार मेरे घर आ गए। फड़ी आओ भगत की थी अभी रात वेले जब मक्की दे मदनी कठे बह गए नबी करीम दे नाना जी ने अर्द की दिला जो पाला किधर आए हो आपने इशारा करके फरमाया मेरा पुत्र अब्दुल्ला है पूरे अरब दे अंदर एडा सोना नौजवान कोई नहीं सुनया तेरी बेटी आमिना जवान है अपने पुत्र वास्ते तेरी बेटी दा रिश्ता लेने आया नबी करीम दे नाना जी ने अर्ज की लज पाला आमिना अज भी तुहाडी है कल भी तुहाडी है फरमाया बेटियां दे रिश्ते इंज नहीं करी दे लोग नौजवान दा किरदार पुछ देने खानदान पुछ देने कारोबार पुछ देने पुछिया भी कुछ नहीं रिश्ता भी पिया देना नबी करीम दे नाना जी ने अर्ज की लज पाला मैं क्यों ना रिश्ता देवा जेड़ा बाबा ख्वाब च तुहानू मिलिया अठ दिहाड़े गुजरे ओ मैनू भी मिलिया वेखो मिलाद इंतजाम हो रहे किसी का रिश्ता पिंड का कमी करावे ते किसी का रिश्ता पिंड का चौधरी करावे। नबी पाक दी अम्मी ते अबू दा रिश्ता उन्ने कराया जेड़ा 70,000 नबियां दा दादा है। जद्दो लंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम रिश्ता लेके आया वक्त रिवाज दे मुताबिक उठे बैठे निकाह पढ़ दिता गया भाई जेड़ी बारात दा दुल्हा अब्दुल्ला होवे ते दुल्हन आमिना होवे बराती ते फरिश्ते ही बन के आए होवन क्या पाकीज़ा शादी सैयद आमिना दुल्हन बन के मक्के आ गई। फरमा दिया मक्के आई ते मैं मुकद्दरा ते नाज करा कि जेड़े वेड़े चो आईया वह भी सरदारां दा घर ते जिस घर में आईया वह ते कायनात दा इतना मुअज़्ज़ज़ घराना जिन्हां दी गली च लोग गर्दन ते निगाहां झुका के गुजरते क्योंकि कोई किसी दरबार का सजादा नशीन कोई किसी दरबार का सजादा नशीन मेरे नबी दे दादा जी काबे दे सजादा नशीन अरब दे सरदार। सैयद आमिना जदों दुल्हन बन के मक्के आईया ना ते आ फरमा दिया मैं अब्दुल्ला नूं वेख्या ते मैं हैरान रह गई इतना हसीन नौजवान एडे सोहने सन ना हजरत अब्दुल्ला एक मिस्र दा यूसुफ है अब्दुल्ला जड़ा हिजाज़े मुकद्दस दा यूसुफ है ओ यूसुफ अपने बाप दियां अखां दा तारा ते ए यूसुफ अपने बाप दियां अखां दा तारा। हजरत अब्दुल्ला फरमांदे हुंदे सर मैं उंज भी सोना ते उंज भी सोना पुछना जी उंज ते उंज किवें सोने फरमाना एक ते हाशमी आ उंज सोना एक मत्थे च मुहम्मद दा नूर चमकदा उंज सोना आरफे खड़ी रहमतुल्ला ला फरमांदे ने सूरज वांग भाई सूरज वांग नूरानी मथा
नजर न कीती जावे जे पत्थर दिल वाला तके ते अखी पानी आवे। एडे सोने यूस हजरत दी हजरत आमना फरमा दिया मैं अब्दुल्ला ने देखा तो हैरान रह गई इतना हसीन और जवान थे फरमा ने जब मैं आमिना ने देखा तो मैं हैरान इफ़त तहारत ते पकीजगी दी ताजदार आमिना रब ने मेरे वास्ते रखी हुई सी दिन भी खुशियां ते रात भी खुशियां पर कातिब तकदीर नु कुछ होर ही मंजूर सी निकाह नु तीन महीने गुजरे हजूर दे अबू जी काफिला तिजारत दा लेके ते मुल्के शाम वल जा रहे रस्ते च मदीना ते यबाच गुजर होया ते ख्याल आया मेरे ससुराल भी ने ते नानके भी ने को थोड़े दिन रुक जावा आप ठहर गए काफिले वाले बोल के शाम चले गए अजे में साढ़े दौर च कोरोना दी वबा फैली बुखार होया लोगों नु बड़ा नुकसान होया अजकल डेंगी दा बड़ा वबा फैली और रिवाज अल्लाह ताला सारे नु अपनी पनाह च रखे हुजूर दा सदका जो हजरत अब्दुल्ला मदीना तैयबा रुके ना उन्होंने दिन च मदीना तैयबा के इर्द गिर्द इलाके च बुखार की वबा फैली आप भी बुखार हो गया इस शिद्दत का बुखार होया कि 25 साल की जवानी च निकाह तो 3 महीने बाद हजरत अब्दुल्ला मदीने फौत हो गए नानके ते ससुराल वाले मदीने कबर बना के मक्के पैगाम भेज दिता उधर मक्के सैयदा आमिना इंतजार कर रही जो मक्के पैगाम पहुंचा तो कोहराम मच गया मक्के दी गलियां में नबी करीम दे दादा जी दे उस वेले 90 साल की उम्र सी लाडला पुत्र टुट गया 25 साल की जवानी में हजरत अब्दुल मुतलिब रोंदे घर आए आके ना ते सैयद आमिना दे सिर ते हाथ रख के ते शफकत ना फरमा देने आमिना बेटी सबर ही करी सैयद आमिना दा कलेजा मुंह नु आ रिया ते रोके अर्ज कर दिया बाबा कादा सबर करा इस गल दे सबर दी तलखीन फरमा रहे हो क्यों सबर करा फरमाया बेटी आमिना जिदियां डीकां करनियां ने आना कोई नहीं आमिना साडा अब्दुल्ला टुर गया है नौजवान उठ के रोंदियां ने टुर गए ने दिलदार दिला चुके मुहारा उजड़ी बस्ती नदरी आवे कंड दिती जद यारा सैयद आमिना दे दिल दी दुनिया ही उजड़ गई दिने भी रोंदियां रात भी रोंदियां ने आवाजा मार दिया अब्दुल्ला किधरों आ जाओ अजे ते मैं रज के वेखिया ही नहीं दिन भी रोंदियां रात भी रोंदियां दुनिया डाउडी एसियां माड़े डर दे उफ नहीं कर दे टुर जावन महबूब जिना दे ना छूंदे ना मर दे पुछो जिना कोई भी छड़ जावे अज फिर फानू साहब को पुछे जिना दे बाबा टुर गए ए टुर जावन महबूब जिना दे ना छूंदे मेरा बदुल्ला टुर गया है मैं बडेरा हो गया सबर कर जावांगा या लाया मीना जवान रोंदी वेखी नहीं जानी अर्द की रब्बा आमिना नु एक पुत्र दे दे ओ
ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖੀਆਂ ਠੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਏ ਕਾਬੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਪਿਆ ਮੰਗਣਾ ਅਸਾਂ ਆਮਿਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ नौजवान बाबा जी ने फरमा बेटी रो ना मोहम्मद दी मां बनन वाली फरमा दिया मैं पूछा तुसी कौन हो फरमाया बेटी लोकी मैनू आदम आखदे ने फरमा दिया बाबा ते टुर गया मैं सवेरे उठ नहीं आऊ फरमा दिया मेरे दिल च अजीब मंजर ने मैं इर्द गिर्द वेखनिया अजीब मंजर ने फरमा दिया मैं बेड़े च फिरनी हूं जेड़ा पत्थर मेरे कदमां दे थले आंदा है ओ मैनू चुभदा ही नहीं मैं कदम रखनी हूं पत्थर पिघल के मुंह में बन जांदा है फरमा दिया खबरे आज पत्थरों नु की हो गया एक निका जिया पत्थर बोल के कहने लगा आमिना हैरान हो अजे ती असी पे पिघलने हो सोना या लैन दे पड़िया पड़िया पिघल जाना जानवर मेनू वेख के ना रस्ता बना देंदे जिहड़ा जानवर रस्ता नहीं बनांदा दूसरे थक्का मार के कहिंदे ने हट जा मुहम्मद दी अम्मी पिया फरमा दिया पत्थर चो आवाज आंदियां अस्सलामु अलैकी या उम्मा रसूलुल्लाह फरमा दी एक दिन मेरे कान च आवाज आई आमिना सा तेन पुत्र देना तो नाम मुहम्मद रखी फरमा दी आवाज देने वाले पुत्र आवे ते नां ते मामा रख दिए अबू रख देने दादे रख देने चाचे रख देने उत्तों आवाज आई आमिना महबूब भी साडा है ते नाम भी असां रखना मुहम्मद नाम रख दे बस फिर बड़ी लंबी बात है फिर कदे अर्ज करांगे 12 रबीउल अव्वल दी रात आई सोमवार का दिहाड़ा रात पे जावे ते दिन पे आया सैयदा आमिना फरमा दिया कि मैं घर विच इकली सा नबी पाक दे दादा जी अपने पुत्रां नू नाल लेके दीवारे काबा बना रहे दीवारे काबा शकिस्ता ते इह ना समझियो घर विच इकलियां सन ते घर होरे दूर से नहीं नहीं वो मक्के दे सरदार दा घर सी कुरैश दे सरदार दा घर अज भी जिन्ना वेख्या उन्होंने पता जिन्ना नहीं वेख्या अल्लाह सारे दे नसीब च करे ते बार बार करे सफा मरवा वाले दरवाजे चो अज भी हरबे काबा चो निकलिए ते सामने ओ मकान है जिहदे च नबी पाक दी विलादत होई इंज कवो कि इधर बैतुल्लाह ते ओ अब्दुल्लाह विलादत वेले खिदमत लई कोई आ जांदा है ते मैं ते तेरे महबूब ते मेरी खिदमत लई कोई भी नहीं आ फरमा दिया मैं वेखिया मेरे कमरे च चार औरतां दाहरे होईयो वडेरी कहन लगी आमिना रोई ना मैं आदम दी बीवी हवा आई आऊ दूसरी कहन लगी मैं इब्राहिम दी बीवी सारा आऊ तीसरी कहन लगी मैं फिरौन दी बीवी आसी आऊ चौथी कहन लगी मैं ईसा दी मां मरियम मैं पुछनिया ने किधर आईया कहन लगी मुकदरा ते नाद करनिया मुहम्मद दिया दाइया बन के आईया उस मां दे नसीबे तो मक्का इनात ही वार देवा जिदी खिदमत ली नबियां दिया मामा जा जा फरमा दिया फिर चारे और ता मेरे इर्द गिर्द बैठ गईया ते खरज मिन्नी नूर फरमा दिया फिर मैं नूर नु जन्म देता ओ बोले सुभान अल्लाह जेड़ा नबी नु नूर मनदा है ओदे चेहरे ते नूर नहीं आ सकदा जेड़ा नबी नु नूर ही ना मनदा है
फरमा दिया फिर खरज मिन्नी नूर, मैं नूर नू जन्म दिता ऐसा नूर। फरमा दिया बैठी मैं मक्के बेचा मैं ओ मुल्के शाम दे महल नजरी आ गए, ऐसा नूर ऐसा नूर ऐसा नूर। आप रिजा फरमा दिया मैं वेख्या दूर दुनिया तो अंधेरा हो गया, ए दूर दुनिया तो अंधेरा हो गया, आ गया सोना सवेरा। अच्छा जिन्हों लगता सवेरा सोने का ये ओ हाथ कड़ा कर थले ना करे हाथ इतने रखे जो मैं वेखना किन्ने नहीं किया खड़ा बला याद रखे अख बंद करके एक बार अपने अंदर झाती मार। जे तेरे अंदर कुफर दा अंधेरा नहीं ईमान दा सवेरा है ते मैनू सच्ची दस आ जेड़ा तेरे ते मेरे अंदर ईमान दा सवेरा है ए मुहम्मद दा नहीं ते होर किदा है, ते जे है ना फिर इत्थे ही हाथ लहरा के ना तो मिल के नबी दा मिलाद पढ़िए, आ गया सोना सवेरा ए सवेरा हो गया भैया, आ गया सोना सवेरा। या अल्लाह जेड़ा उच्चा बोले ओदे बेड़े नबी करीम आ जाओ, सुबह जिधर जावे यही पढ़ता जावे, आ गया सोना सवेरा। पूछे लाइटी क्यों कराई, माफल क्यों सजाई, स्टेज क्यों, कोई जवाब नहीं देना, बस कहना साडा आ गया सोना सवेरा। हुण मैं नहीं तुसा बना मैं आवाज सुनी है, ए सवेरा हो गया भैया, आ गया सोना सवेरा। युखरिजो मिन ज़ुलुमात इला नूर, आ गया सोना सवेरा। कद जाकुम मिन अल्लाह नूर, आ गया सोना सवेरा। वसिराज मुनीरा, आ गया सोना सवेरा। अल्लाह मुतिम नूर ही, आ गया सोना सवेरा हो गया। आ गया सोना सवेरा, भाई जिदे जिदे अंदर होया उते बोले आ गया सोना सवेरा। आ जिन्ना सवेरा ये मुस्तफा दा ही है ना भाई, सारा सवेरा मुस्तफा दा। बस अम्मा हलीमा घर लेके गई ना, ते आला हजरत दे वालिदे गिरामी मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, अम्मा हलीमा दी जिहड़ी गवंडन सी ना हमसाई, वो अम्मा हलीमा दी सक्की भैन सी। मैं अम्मा हलीमा दे हर साल घर दी ज़ियारत करके आना अलहमदुल्ला। मैं जाके उत्थे बेलियां नूं कहना इत्थे लंबे लंबे सांस लिया करो, इत्थे मेरे नबी दे सामां दी खुशबू है, इत्थे पत्थरां नूं ते पहाड़ां नूं वेख्या करो। ओ चल असीं नबी पाक नूं नहीं वेख्या पर इन्हां पहाड़ां ते नबी नूं वेख्या है ना, किसी पत्थर किसी पहाड़ से मेरे नबी की निगाह पई होगी ना, है तो यह थोड़ा सी वो पत्थर ही वेख लिए जिन्हें नबी पाक ने वेखे है, जिन्होंने हजूर ने वेखे, जिन्होंने हजूर ने वेखे। तो अम्मा हलीमा की गवंडन वो सक्की पहल से खौला नाम से, तो खौला सादिगा एक दिन अम्मा हलीमा को ला के कहती है, हलीमा नहीं भैन तू तो बड़ी अमीर हो गई है। फरमा दी किमें, कह लगी तेरे को पैसे नहीं सर आते कि रात को दीवे च तेल ही पा के बाल लवें, जिस दिन द मक्कियों आई है सारी रात दीवा ही बाली रखनी है। अम्मा हलीमा हजूर दे चेहरे तो कपड़ा चुक के फरमा दिया, जो दूदा आ सोना आया मैं तो दीवा ही बोलना छड़ देता है, फरमा दिया आ गया सोना सवेरा हो गया। आ सारा सवेरा मुस्तफा दा, आ चानन कमली वाले दा। लो भाई अल्लाह ताला हाजरी कबूल फरमाए, शहाब साहब फिर कदे आए तो इंशाल्लाह मुफस्सल गुफ्तगू अर्ज करांगे। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाजरी कबूल, बैठे रहो भाई बैठे रहो जे शहाब।